हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। तो आज हमारी FCI मेंस 2019 में GK और करंट अफेयर्स की क्लास 9 है। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम क्लास 9 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेबल हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी टीम के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ई बुक्स लॉन्च की गई हैं। तो अगर आप FCI मेंस 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। FCI मेंस के लिए कंप्यूटर की ई बुक और अकाउंट की ई बुक लॉन्च की गई हैं। कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, जिसमें टॉपिक वाइज भी सारी चीज़ें कवर की गई हैं और 1000+ MCQs कवर किए गए हैं, और इंग्लिश में कवर किए गए हैं 2000+ MCQs। और अकाउंट की ई बुक्स में भी बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कवर की गई हैं। तो आप इन सभी ई बुक्स को अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके FCI मेंस 2019 में। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वेयर इज़ ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, यानी कि गुजरात में लोकेटेड है ब्लैक बक नेशनल पार्क। अगर गुजरात की बात चली है तो गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो स्टेट एनिमल है गुजरात का एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्टेट फ्लावर है मैरी गोल्ड, और स्टेट का स्टेट सॉन्ग है जय जय ग्रावी गुजरात। तो आप स्टेट के इन सभी सिंबल्स को लर्न कर सकते हैं और स्टेट का एम्बलम भी देख सकते हैं। तो ये सभी सिंबल्स थे गुजरात के जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इज़राइल। तो कैपिटल एंड करेंसी पूछी गई है आपसे इज़राइल की। तो इसका करेक्ट आंसर है, कैपिटल तो है जेरूसलम और करेंसी है शेकेल। तो शेकेल है इसकी करेंसी और कैपिटल है जेरूसलम। अगर इज़राइल की बात करें तो ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है, प्रेसिडेंट है रेविन रेवलिन और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। करेंटली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और रेयुवेन रेवलिन है इसके प्रेसिडेंट, और ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है। और इसी के साथ आप लोकेशन भी देख सकते हैं इज़राइल की। नेम द CEO एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आपसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के CEO एंड हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुकेश कुमार जैन। मुकेश कुमार जैन है CEO ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। अगर इसकी बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, तो गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, यह अभी ही मैंने आपको बताया। मुकेश कुमार जैन इसके MD एंड CEO हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसे फाउंड किया गया था 19 फरवरी 1943 में, और ये एक पब्लिक एंटिटी है। तो आप इन सभी लर्न कर सकते हैं जो कि ओरिएंटल बैंक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आपसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर आप सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की लिस्ट याद करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी जानना चाहते हैं सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड हमारे चैनल पे कल ही एक वीडियो अपलोड की गई है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या फिर आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो। तो आप ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप एंड टाइम पे भी उस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको कुछ नेम्स याद रह जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो इसका स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है रोज रिंग पराकित, और स्टेट फिश है म्यूरेन, स्टेट फ्लावर है जैस्मिन, स्टेट ट्री है नीम, स्टेट फ्रूट है मैंगो, और स्टेट एम्बलम भी आप देख सकते हैं, और स्टेट सॉन्ग है माँ तेलुगु थाली की। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, इन सभी को लर्न करके जाइएगा।
हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपसे साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट का नाम पूछा गया है। तो साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट हैं, जो कि हमारे 2019 के रिपब्लिक डे पे हमारे देश के रहे थे चीफ गेस्ट। पहले अमेरिका के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी को किया गया था इनवाइट, लेकिन वह किसी वजह से ना आ सके, इसीलिए बाद में फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को इनवाइट किया गया और ये रिपब्लिक डे पे हमारे देश के रहे थे चीफ गेस्ट। नेम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आपसे चेयरमैन पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर हैं चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसे फॉर्म किया गया था 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबरशिप है 104 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। चेयरमैन शशांक मनोहर हैं और सीईओ हैं मनोज सैवनी। तो आप इन सभी पॉइंट्स को, सीईओ, चेयरमैन, इसे फाउंड कब किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड याद रख सकते हैं। विच स्टेट हाउस इज द डल लेक, यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि डल लेक कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, तो डल लेक स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है डल लेक। अगर जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट एनिमल है हंगुल, स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है चिनार। और स्टेट हमारा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, इसका अपना अलग फ्लैग भी है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग फ्लैग भी देख सकते हैं और स्टेट एम्बलम भी देख सकते हैं। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे। नवजोत कौर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि आपसे नवजोत कौर पूछा गया है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी, यानी कि हॉकी से रिलेटेड है नवजोत कौर। वेयर इज़ द एलोरा केव लोकेटेड, यानी कि आपसे एलोरा केव्स पूछा गया है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो एलोरा केव्स पाई जाती हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है एलोरा केव्स। विच स्टेट हाउसेस रिवर साल, यानी कि आपसे रिवर साल पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में है, तो रिवर साल पाई जाती है गोवा में, गोवा में पाई जाती है रिवर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, यानी कि आपसे पनामा के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है, तो जुआन कार्लोस वारेला है जो कि पनामा के प्रेसिडेंट है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ थाईलैंड, यानी कि आपसे थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी पूछी गई है, तो थाईलैंड की कैपिटल एंड करेंसी है, कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बैत, यानी कि थाई बैत तो है इसकी करेंसी और कैपिटल है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियन जिसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, उन सेक्रेटरी जनरल का आपसे नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लिम जॉक हुई, यानी कि लिम जॉक हुई हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर आगे बात करें तो इसकी 10 कंट्रीज मेंबर हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारी 10 कंट्रीज जो हैं ये तो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और 2 इसके हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज, यानी कि पेपुआ न्यू गिनिया है इसकी ऑब्जर्वर कंट्री और तिमोर लेस्ते भी है इसकी ऑब्जर्वर कंट्री। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसके लीडर का नाम तो अभी मैंने आपको बताया कि लिम जॉक हुई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में और इसके चार्टर 16 दिसंबर 2008 को साइन किया गया था। तो आप इन सभी पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं आशियान से, इन्हें लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र की सिटी मुंबई में लोकेटेड है हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में फॉर्म किया गया था। इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और बाकी सभी पॉइंट्स भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ अलाहाबाद बैंक, तो अलाहाबाद बैंक के MD एंड CEO का नाम आपसे पूछा गया है, तो अलाहाबाद बैंक के CEO हैं SS मल्लिकार्जुना राव,
एसएस मल्लिका अर्जुना राव हैं, सीईओ ऑफ अलाहाबाद बैंक। विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, यानी कि कौन से ईयर को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस सेलिब्रेट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2016, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 20 दिसंबर 2013 को 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था। यानी कि 2013 की जो 68th सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसी में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस को घोषित कर दिया गया था कि 2016 को कहा जाएगा। अगर आगे बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट किया गया कि वह ईयर ऑफ पल्सेस को डिक्लेयर करें। तो आप ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोटे त्शेरिंग। तो लोटे त्शेरिंग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में लोकेटेड है। अगर यूनेस्को की बात करें तो इसे फॉर्म किया गया था 4 नवंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि हेड हैं एजुरे अजोले, और ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर आती है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म है जो कि है यूनेस्को की, और ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं यूनेस्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाय राइडर, यानी कि गाय राइडर हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। अगर आगे बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसे 29 अक्टूबर 1919 में फॉर्म किया गया था। इसके हेड हैं गाय राइडर, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में लोकेटेड है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये दोनों इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, यानी कि प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ICICI के MD और CEO का नाम पूछा गया है। तो इसके MD एंड CEO हैं NS कन्नान, यानी कि NS कन्नान हैं जो कि MD एंड CEO हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। गहिर माथा मैराइन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि गहराइन माथा मैराइन सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये मैराइन सेंचुरी लोकेटेड है ओडिशा में, यानी कि हमारे देश के स्टेट ओडिशा में लोकेटेड है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल पूछी गई है, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2020 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 2020 का ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप, जो कि 2020 का होगा, और ये 7th ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप होगा जो कि 2020 में होगा। और अगर आगे बात करें तो ये 21 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, और जो 8 मार्च है इसमें इसका फाइनल होगा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को होता है, उसी दिन ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड थे 2020 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनत जयसूर्या हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स आफ्टर एडमिटिंग ब्रीचिंग 2 काउंट्स ऑफ द ICC एंटी करप्शन कोर्ट, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि जो सनत जयसूर्या हैं उन्हें बैन कर दिया गया है 2 ईयर के लिए, क्योंकि उन्होंने ICC एंटी करप्शन कोर्ट के 2 काउंट्स को ब्रीच किया है, यानी कि उन उल्लंघन किया है ICC एंटी करप्शन कोर्ट से रिलेटेड जो उसके नियम हैं। इसीलिए सनत जयसूर्या को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है सभी क्रिकेट के फॉर्म्स से। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं सनत जयसूर्या? तो सनत जयसूर्या बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं सनत जयसूर्या, जिन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है।
हेमंत भार्गवा वॉज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यानी कि हेमंत भार्गवा कौन सी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, कौन सी बैंक के, यानी कि कौन सी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं हेमंत भार्गवा। तो हेमंत भार्गवा बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक। तो रिसेंटली 25 फरवरी 2019 को IDBI बैंक, जिसके फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेमंत भार्गवा अपॉइंट हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन वुल टाइम चेयरमैन, और ये अपॉइंट हुए हैं 3 साल के लिए। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019, यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था, उस ऐप का नाम आपसे पूछा गया है। तो इस ऐप का नाम था खेलो इंडिया ऐप। तो खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और डेवलप भी किया गया है इन्हीं के द्वारा। अगर आगे बात करें तो इस ऐप के ज़रिए जो भी स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ हैं और कंट्री में कितनी स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, रूल्स क्या हैं गेम्स के, इन सभी के बारे में पता लगाया जा सकता है, और यूज़र्स का लेवल क्या है फिटनेस का, इस ऐप के जरिए ये सभी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, जिसका नाम है खेलो इंडिया ऐप। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 8,000 रन्स इन T20 इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच इन न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 8,000 रन बनाने वाले T20 में फर्स्ट इंडियन कौन है, पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना से पहले भारतीय हैं जिन्होंने शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 8,000 रन बनाए हैं, और ये T20 फॉर्मेट में बनाए गए हैं न्यू दिल्ली में, जो कि हुआ था। अगर आगे बात करें तो सुरेश रैना पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने 8,000 रन बनाए हैं शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और ये जो हुई थी ये पोंडुचेरी के अगेंस्ट इन्होंने बनाए हैं, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। What was the theme of the 14th Agriculture Science Congress held at New Delhi? यानि कि New Delhi में जो 14th Agriculture Science Congress हुई थी, इसकी थीम आपसे पूछी गई है। तो इसकी थीम थी Innovation for Agriculture Transformation। तो Innovation for Agriculture Transformation थी 14th Agriculture Science Congress जो कि हुई थी New Delhi में, इसकी थीम। तो 14th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट एंड नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, इन सभी के द्वारा मिलके ये जो कांग्रेस है ये इनॉग्रेट की गई थी और ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जो कि 14th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस थी। Which of the following Indian documentary film based on menstruation that won the Oscar in Best Documentary Short Film category? यानी कि ऐसी कौन सी documentary film है जो कि Indian है, जो कि menstruation पे बनी है और इसे Oscar भी मिल चुका है Best Documentary Short Film category में। तो इस movie का नाम था Period End of Sentence। तो Period End of Sentence जो कि menstruation से related थी, ये एक Indian documentary film है, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर में, यानी कि इसे ऑस्कर मिल चुका है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है ईरानियन अमेरिकन वुमेन रायका जहताब जी ने। तो रायका जहताब जी जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, ईरानियन अमेरिकन हैं, इन्होंने ही पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को डायरेक्ट किया है, जिसे मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।